हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज का हम लोगों का टॉपिक है एक डिवाइस जिसका नाम है वांडी ग्राफ जनरेटर। मैंने वांडी ग्राफ ने इस जनरेटर को बनाया था। इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर, क्योंकि ये जनरेटर करंट वाला नहीं है बल्कि चार्ज वाला है, तो इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर इसको कहते हैं। तो इस जनरेटर का क्या काम है कि ये बहुत हाई वोल्टेज, सेवरल मिलियन वोल्ट्स का वोल्टेज, मतलब पोटेंशियल इसका हो जाता है। तो उतना बड़ा पोटेंशियल क्या चीज़ के लिए यूज होता है, तो वो आपको चार्ज्ड पार्टिकल्स, जैसे मान लीजिए प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन या कोई आयन है, तो उसको वो एक्सलरेट करता है, क्योंकि बहुत हाई मतलब जो पोटेंशियल रहता है, इसलिए एक्सलरेट जो करता है सो काफ़ी एनर्जी आ जाता है उस पार्टिकल में, चाहे वो प्रोटॉन हो, इलेक्ट्रॉन हो या आयन्स हो। उसका काम क्या करता है, क्यों ऐसा करता है हाई एनर्जी तक एक्सेलरेट, तो उससे लेबोरेटरी में या जहाँ भी आपको एटॉम वगैरह को तोड़ने का काम करता है, ताकि इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी हो सके। इसीलिए उसी के थ्रू बम्बार्डमेंट करता है हाई एनर्जी पार्टिकल के थ्रू एटॉम या मॉलिक्यूल पर, ताकि उसके स्ट्रक्चर का वो अध्ययन कर सके। इसी के लिए इसका यूज होता है वांडी ग्राफ जनरेटर का। यही फोटो है वांडी ग्राफ जनरेटर का। अच्छा, तो सबसे पहले ये जानना है कि ये वांडी ग्राफ जनरेटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो देखिए, प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए क्या है, देखिए, क्यू चार्ज एक स्फेरिकल सेल पर दिया हुआ है जिसका रेडियस आर है, और उसमें एक छेद किया हुआ रहता है ताकि ऊपर से सिल्क थ्रेड द्वारा एक दूसरा चार्ज क्यू को, जो आर रेडियस के मतलब जो स्फेयर पर रहता है चार्ज क्यू, उसको उस होके डाल देता है। लेकिन सिल्क थ्रेड होना चाहिए, यानी इंसुलेटिंग थ्रेड होना चाहिए, वो लटका दिया जाता है। तब बाहर में चार्ज क्यू और अंदर में चार्ज क्यू, तो देखा जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस अंदर वाले स्फेयर और बाहर वाले स्फेयर स्फेरिकल सेल का कितना होता है। तो देखिए, मान लीजिए इसका पोटेंशियल है सरफेस पर अंदर वाले का वी आर, और बाहर वाले का है वी आर कैपिटल वाला, जो रेडियस है वही वी आर, ये वी स्मॉल आर। तो वी आर माइनस वी आर, तो पहले वी आर निकालिए कि इसके सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा। एक अपने चार्ज क्यू के कारण होगा, और दूसरा ये बाहरी सेल पर जो चार्ज कैपिटल क्यू है उसके कारण होगा। दोनों आप निकाल के जोड़ लीजिए, तो अंदर वाले चार्ज क्यू जो आर रेडियस पर है, तो 1/4πε0qr, जो हम लोग पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, और बाहर वाले का होगा 1/4πε0qr, कैपिटल क्यू बाय आर। क्योंकि आप जानते हैं, कोई मेटालिक सेल अगर होता है तो जो रेडियस है यानी सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है, वही अंदर में पोटेंशियल सेम रहता है, इसीलिए 1/4πε0qr। ये हो गया वी स्मॉल आर, और उसको माइनस करिए बाहर वाला सरफेस पर क्या है पोटेंशियल, तो माइनस इसके कारण पोटेंशियल कितना है अपने चार्ज क्यू के कारण, तो 1/4πε0qr। माइनस देंगे क्योंकि माइनस करना है हमको यहाँ पर,
और माइनस इसके कारण कैपिटल आर डिस्टेंस पर कितना होगा, तो वो होगा 1/4πε0Q q/r कैपिटल आर। ये देखिए कैपिटल आर, तो आप देख रहे हैं ये दो टर्म सेम होता है, एक प्लस एक माइनस, उसको काट दीजिए तो बचा दो टर्म, उसमें कॉमन है वो हम बाहर निकाल दिए हैं q/4πε0, और अंदर बच गया 1/r-1/R। यदि q देखिए e टर्म देखिए r, चूंकि r से छोटा होता है इसलिए ये टर्म इससे बड़ा होगा, यानी ये पॉजिटिव टर्म ऑलवेज होगा बिकॉज स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल r, तो ये टर्म तो पॉजिटिव होगा। कहता है कि यदि q पॉजिटिव है, अगर मान लीजिए अंदर वाला चार्ज जो हम लटकाए हैं यहाँ इस स्फेयर पर, अगर वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब हो गया Vr-Vr, ये वाला Vr-Vr इट विल बी ग्रेटर देन जीरो, यानी Vr विल बी ग्रेटर देन Vr। ओके, ये बात समझ में आ गई। यदि Q पॉजिटिव है तो इस साइड का टर्म जो है सब पॉजिटिव होगा, यानी ग्रेटर देन जीरो, इसका माने अंदर वाला वी आर इज ग्रेटर देन बाहरी वाला वी आर, यानी पोटेंशियल का, यानी यहां का पोटेंशियल बड़ा होगा यहां के पोटेंशियल से। अब ये पता चल गया कि यहां का पोटेंशियल बड़ा है और यहाँ का पोटेंशियल जो है सो कम है। अब एक कंडक्टिंग तार से आप जोड़ दीजिए दोनों को, दोनों को जोड़ लीजिएगा, तो दोनों को जोड़िएगा तो पोटेंशियल तो सेम हो जाएगा क्योंकि कंडक्टिंग वायर से, तो देखिएगा कि सारा का सारा चार्ज यहाँ से चला गया ऊपर पर, चाहे ऊपर वाले पर कितनों ही चार्ज हो, यहाँ जो चार्ज रहेगा वो तार के थ्रू सब चला जाएगा बाहर में। ठीक उसी तरह जैसे वाटर टंकी ऊपर है आ एक ठो तालाब है और एक पाइप से लगा हुआ है उसमें तालाब में जाने के लिए, तो पानी तो टंकी में तालाब के रिस्पेक्ट में बहुत कम है लेकिन उसका ऊंचाई है, इसीलिए सारा पानी फिर तालाब में आ जाएगा, चाहे तालाब में जितना भी पानी हो। वही बात यहाँ पर है कि टोटल चार्ज जो है इसका क्यों वो चला जाएगा बाहर वाले पर, चाहे बड़ा क्यों कितनों ही चार्ज हो, चुकी इसका पोटेंशियल यानी हाइट समझिए इससे बड़ा है, इसलिए सब चार्ज चला जाएगा ऊपर में। तो अब देखिए लिखे है इट मीन्स व्हेन कनेक्टेड पोटेंशियल्स वी आर एंड वी आर विल बी सेम एंड वी आर माइनस वी आर इक्वल टू जीरो, यानी जब हम तार से कनेक्ट कर देते हैं दोनों को तो दोनों सेम पोटेंशियल पर आ जाएगा, सेम पोटेंशियल पर आ जाएगा तो इसका मतलब डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल मस्ट बी जीरो, दैट इज फ्रॉम एबव इक्वेशन अगर वी आर माइनस वी आर जीरो हो तो इसका मतलब ये सब तो टर्म जीरो नहीं होगा, यानी क्यू मस्ट बी जीरो, जो ये सर्टिफाई करता है कि अब जो है क्यू ये अंदर वाला पर कोई चार्ज नहीं है, गया कहाँ चार्ज, तो बाहर में चला गया बाहर वाली सेल पर, एकदम प्रूफ हो गया कि ये पोटेंशियल हाई और ये पोटेंशियल लो है, और तार द्वारा हम जोड़ देते हैं तो जो भी चार्ज है टोटल चार्ज उस पर चला गया, क्योंकि जब भी जैसे ही पोटेंशियल सेम होगा तार से जोड़ने के बाद सब चला जाएगा, वहाँ क्यू विल बी जीरो, वही वो इक्वेशन बताता है। अच्छा अब देखिए ये तो प्रिंसिपल है, क्या प्रिंसिपल हुआ इसको ठीक से एक बार समझ लीजिए कि
चार्ज जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाएगा, चाहे लो पोटेंशियल पर जितना भी चार्ज हो फिर भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर चार्ज चला जाएगा। ये चीज दिमाग में रखिए। अब देखिए कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, कंस्ट्रक्शन कैसे बनाता है मन वॉन डी ग्राफ जनरेटर प्रैक्टिकली। एक बहुत बड़ा कंडक्टिंग सेल होता है, स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल, उसके सेंटर में एक पुली है ए और दूसरा पुली यहां है, इस पर जो है इंसुलेटिंग बेल्ट लगा हुआ है देख लीजिए, और नीचे वाला पुली जो है वो मोटर से ड्राइव होता है यानी घुमाता है उसको ताकि बेल्ट चले ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके चले, देखिए डायरेक्शन दिया हुआ है बेल्ट चले ऐसे करके, और ये जो है सेल वो इंसुलेटिंग स्टैंड पर मतलब जो खड़ा है, जो एक कंडक्टिंग मतलब जो मेटल बेस पर वो आके रुकता है, और ये मेटल बेस जो है इसको अर्थ कर देना है। ये जो है देखिए अर्थ का चिन्ह दिए हैं, ग्राउंडिंग क्या हुआ है यानी अर्थिंग क्या हुआ है। अच्छा अब क्या होता है देखिए, तो यहां कॉम्ब लाइक मान कंघी टाइप का दांत वाला जैसा है वैसा ही टाइप का मेटल ब्रश से मतलब बाहर से उस बेल्ट पर चार्ज इसमें बी वाले पुली पर छिड़का जाता है बेल्ट पर कोरोना डिस्चार्ज के थ्रू, कोरोना डिस्चार्ज के थ्रू मेटल कॉम्ब लाइक मेटल ब्रश से उस पर स्प्रे किया जाता है यानी पॉजिटिव चार्ज यहां आता है, पुली तो घूम रहा है तो जा रहा है चार्ज जा रहा है, यहां भी एक मेटल ब्रश कॉम्ब लाइक लगा हुआ है वहां, ये जो है कोरोना डिस्चार्ज के थ्रू इस पर ले देता है स्फेरिकल सेल पर, और स्फेरिकल सेल पर चार्ज बढ़ते जाता है जैसे ही पुली घूमते चलता है, यहां से चार्ज सप्लाई होते रहता है धीरे धीरे चार्ज बढ़ते चलता है यानी पोटेंशियल भी बढ़ते चलता है, पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते बताए कि आपको कि सेवरल मिलियन वोल्ट्स पोटेंशियल हो सकता है, लेकिन यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि बाहर में तो एयर है, एयर का डायइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है वो 3×10⁶ वोल्ट पर मीटर है, इससे ज्यादा अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहने का है, नहीं तो डायइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा एयर का और लीक करने लगेगा सारा चार्ज इस पर से, क्योंकि एयर कंडक्टर थोड़ा बन जाएगा और चार्ज लीक करने लगेगा यानी उसके बाद बेकार इसको कोई चार्ज देने से कुछ होने जाने का नहीं है, इसलिए ओ लिमिट को ध्यान में रखिए कि एयर का जो ब्रेकडाउन लिमिट है उसके नीचे तक ही हम पोटेंशियल बढ़ावें यानी उतना चार्ज दें तब आपका ये काम करने लगेगा। क्या काम करेगा, तो वही जो चार्ज पार्टिकल है उसको एक्सेलरेट करके वेरी हाई एनर्जी दे देगा ताकि उस पार्टिकल से हम कोई चीज को तोड़ सकते हैं, एटम को मॉलिक्यूल को और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, कभी कभी पूछता है खाली लेवल्ड आप डायग्राम बनाइए वॉन डी ग्राफ जनरेटर का नाम देके कौन क्या पार्ट है, इसलिए मैंने लेवलिंग कर दिया है, आप ठीक से इसको समझ लीजिएगा और तब आपका ये वाला टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। प्रिंसिपल तो आपको बता ही दिए, वो ठीक से समझिए, बस अपने ही कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर चार्ज भागेगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपको पसंद है तो आप लाइक कर दीजिएगा, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल बजा दीजिएगा ताकि आपको पहुंचता रहे मेरा नोटिफिकेशन के साथ सारा वीडियो, और आप बढ़िया से स्टडी करके एकदम ब्रेन से हर बात को हर टॉपिक को क्लियर हो जाना चाहिए।
उसके बाद अगर आप चाहते हैं दूसरे को मदद करना तो व्हाट्सएप वगैरह से इसको भेज दीजिए हमारा वीडियो, और बोल भी दीजिए कि सब्सक्राइब कर लो, तुमको भी जाएगा नोटिफिकेशन, और बढ़िया से एकदम सिलसिलेवार ढंग से स्टडी करके अपने नॉलेज को सॉलिड कीजिए। थैंक्स।